अगले साल से शहरों में किसी भी एटीएम में रात 9 बजे के बाद नकदी नहीं डाली जाएगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में स्थित एटीएम में शाम 6 बजे तक ही नकदी डाली जा सकेगी। गृह मंत्रालय ने इस बारे में एक नया निर्देश जारी किया है। नकदी ले जाने वाले वाहन के साथ 2 हथियारबंद गार्ड होंगे। नक्सली हिंसा प्रभावित इलाकों के एटीएम में शाम 4 बजे तक नकदी डाली जा सकेगी। अरविंद विरमान वहीं नकदी की देखरेख करने वाली निजी एजेंसियों बैंकों से भोजनावकाश से पहले नकदी संग्रह करेगी। वे इन नोटों का परिवहन बख्तरबंद वाहनों में ही कर सकेंगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मानक परिचालन प्रक्रियाएं 8 फरवरी 2009 से लागू होंगी। कैश वैन, कैश वॉलेट और एटीएम धोखाधड़ी तथा अन्य आंतरिक धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के मद्देनजर ये कदम उठाया जा रहा है। देश में निजी क्षेत्र की करीब 8,000 कैश वैन परिचालन कर रही हैं। इन कैश वैनों द्वारा रोजाना करीब 15,000 करोड़ रुपए की नकदी का परिवहन किया जाता है। कई बार निजी एजेंसियां पूरी तरह नकदी अपने कैश वॉलेट में रखती है। अधिसूचना में कहा गया है कि शहरी इलाकों में रात्रि 9 बजे के बाद ना तो एटीएम में नकदी डाली जा सकेगी और ना ही नोटों का परिवहन किया जा सकेगा। ग्रामीण इलाकों के लिए ये समय सीमा शाम 6 बजे की है। वहीं नक्सली हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में एटीएम में नकदी डालने का काम शाम 4 बजे तक किया जा सकेगा। नकदी परिवहन के लिए एजेंसियों को निजी सुरक्षा उपलब्ध करानी होगी। उन्हें इस कार्य के लिए आवश्यक संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की मदद लेनी होगी। प्रत्येक कैश वैन में एक ड्राइवर के अलावा 2 सुरक्षा गार्ड, 2 एटीएम अधिकारी रखना जरूरी होगा। एक हथियारबंद गार्ड को ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठाना होगा, जबकि दूसरा गार्ड पिछली सीट पर बैठा होगा। नकदी डालना या निकालने के दौरान चाय या भोजनावकाश के समय कम से कम एक हथियारबंद गार्ड को हमेशा नकदी वाली वैन के साथ रहना होगा।